An inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal is placed in a uniform horizontal electric field of 200 newton per coulomb, as shown in the figure. A body of mass 1 kilogram and charge 5 millicoulomb is allowed to slide down from rest at a height of 1 meter. If coefficient of friction is 0.2, then find the time taken by the body to reach the bottom. Right? चलो solve करते हैं. मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों को उसने मिक्स किया है. कैसे देखो, अभी क्या होगा, ये आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया है. यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ और एक बार मैं. ये आपके पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट. उसके बाद आपको क्या बोला गया, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रखा है. ये ऑब्जेक्ट का आपको मास भी दिया है, कितना है मास, मास है 1 किलोग्राम. कितना दिया है, 1 किलोग्राम. उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना दिया है, प्लस 5 मिली कूलम. एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में विथ मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम. अभी इसके ऊपर बॉडी के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, कितना, क्यू इंटू ई. क्यू कितना है, 5 मिली. तो 5 मिली इंटू 200 मतलब ये कितना होगा, 1000 इंटू मिली मतलब 1 न्यूटन लगेगा. पहला पॉइंट समझ के ले लो, ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री. उसके बाद देखो और कौन सा फोर्स आएगा इसके ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा. ग्रेविटी कितना लगने वाला है, 10 न्यूटन, क्योंकि मास 1 किलोग्राम दिया. इधर क्या लगेगा आपका, नॉर्मल लगेगा एज यूजल. बाद में देखो और क्या लगने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ दिया है क्या, ओके. उसके अलावा फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 0.2. म्यू कितना दिया है आपको, 0.2. तो देखो ये बॉडी अगर जा रहा है तो किधर जा रहा है, नीचे, मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो ऊपर लगेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन कितना है. तो जितने भी फोर्स है ना, ये सारे फोर्स को रिजॉल्व करो अलॉन्ग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. तो ये देखो आपका इंक्लाइन है, राइट. उसके बाद ये नॉर्मल का तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है, सही है, ये नॉर्मल है. बाद में फ्रिक्शन का भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अलॉन्ग है. उसके बाद दिक्कत किस में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी में. तो देखो ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री. इसको रिजॉल्व करो, ये है 1, तो इधर आएगा 1 cos 30, इधर आएगा 1 sin 30. तो ये 1 cos 30 एंड ये इधर आएगा 1 sin 30 हो गए यहाँ पर. उसके बाद हम लोग रिजॉल्व करेंगे 10 न्यूटन को, तो ये वाला भी एंगल 30 होगा, तो इधर आएगा 10 cos 30 एंड इधर आएगा 10 sin 30, सही है. चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो ये कैसे आएगा, ये आपका इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे देखो इधर नॉर्मल, राइट. बाद में इधर क्या लग रहा है आपका फोर्स, साइन 30 कितना, 1/2, कॉस 30 √3/2. तो 1/2 प्लस √3/2 कितना आएगा, 1/2 प्लस √3/2 इनटू कितना है, 10 है, सही है ना. तो इसको ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो उसके बाद आते हैं, इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा एक तो फ्रिक्शन एंड दूसरा लगेगा कॉस 30. कॉस 30 कितना, √3/2 एंड इधर क्या लगेगा आपका, इधर लगेगा 10 sin 30. साइन 30 कितना, 1/2 मतलब 5 आएगा ये. तो सबसे पहले क्या करो तुम लोग, यहाँ पर नॉर्मल निकालो. नॉर्मल कितना आएगा देखो, दैट विल बी 1/2 मतलब 0.5 प्लस 5 √3 आएगा. अब ये सॉल्व करके लेना पड़ेगा. चलो सॉल्व करते हैं इसको ऐसे ही, यहीं पर 0.5 प्लस 5 √3 कितना होता है, 1.7. अभी 1.7 मतलब ये कितना आएगा, 1.7 इंटू 5 कितना होगा, ये 65 होगा क्या, 65 नहीं होगा, ये 85 होगा, सही है. तो 8.5 आएगा. तो 0.5 प्लस 8.5 मतलब ये कितना हो गया, ये 11 हो गया, नहीं ये 11 कैसे, ये 9 हो गया. तो नॉर्मल का वैल्यू कितना है, 9, ओके. उसके बाद देखो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू विल बी म्यू इंटू एन होता है. म्यू कितना दिया है, 0.2 इंटू कितना, 9.
तो ये कितना आएगा, 1/5 इंटू 9, ये आएगा 1.8 न्यूटन। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, वो फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पर, 1.8 न्यूटन लग रहा है। और एक बार डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखो ये आपका इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इधर कौन सा फोर्स लगा, 5 न्यूटन का, इधर क्या लगा, फ्रिक्शन कितना, 1.8 न्यूटन। एंड √3/2, 1.8 + √3/2 आएगा इधर। अभी 1.8 एंड √3/2 ये क्या लेस देन 5 है, मतलब आपका बॉडी जाएगा किधर, इधर जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन, इसका मास कितना, 1 किलोग्राम, इसका एक्सेलरेशन कितना है देखो, वो आएगा 5 - 1.8 √3/2, 1.8 + √3/2 / 1 आएगा। अभी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5 - ये क्या आएगा यहाँ पर, 1.8 - √3 मतलब होता है 1.7। 1.7 का आधा कितना आता है देखो, 8.5, सही है, 0.85। तो ये 5 - 1.8, बहुत ही अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, रुको ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। हाँ क्या है, √3/2 है ना, तो √3/2 क्या आएगा देखो, √3 इज 1.73, 1.73 / 2, 0.865, 5 - 1.8 - 0.865, 5 - 1.8 - 0.865, ये आता है 2.2.335 m/s². अभी हमें क्या मिला, सिर्फ एक्सेलरेशन मिला है, मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो देखो यहाँ पे आ जाओ अगेन इस डायग्राम में, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये बॉडी यहाँ से निकला, इधर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन मिला, 2.335 m/s². तो अभी देखो हम लोग यूज़ करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, s = ut + ½ at². अभी ये बॉडी इधर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है मान लो, तो ये 1 है, ये 1 है यहाँ पर, ये 30 है, तो अगर मैं साइन 30 का यूज़ करता हूँ तो sin 30 = अपोजिट अपॉन हाइपोटिनियस, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे पुट करो, 2 = u0 है +1/2, 2.335 × t². तो ये t² = आएगा 4/2.335, तो 4/2.335 कम्स आउट टू बी 1.71। तो टी का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1.71, विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.30। तो 1.30 इज़ अ करेक्ट आंसर, राइट।